संस्कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम संख्या पत्ति में चल रहे थे और संख्या पत्ति में हमने लिया था दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का अंतर योग, ऐसे प्रश्न हमने लिए थे। तो इसके साथ साथ ही हम ले रहे हैं आज प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्याओं का योगफल, परिमेय अपरिमेय संख्या मैंने आपको पीछे बता दी, तो प्राकृत संख्याओं का योगफल देखते हैं। प्राकृत संख्याओं के योगफल में सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे अपने पास आ गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे ये अपने पास प्रश्न आ गए, +99 + 100 तक का योग होगा, या 1 से लेके, या ऐसे ही पूछ सकता है 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल होगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इसका फॉर्मूला है, ये जितने भी फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूँ सब 1 से ही निकालते हैं, बीच में से नहीं निकालेंगे। बीच में से निकालना है तो इस सूत्र को दो बार काम में लेना पड़ेगा। यह है n n+1/2, n का मतलब लास्ट वाली संख्या, n का मतलब लास्ट वाली संख्या, n कितने हैं 100 तक, 1 से लेकर 100 तक का योग निकालना है अपने, तो 100 × कोष्ठक वाली संख्या जो होती है ना, इनको जोड़ते हैं पहले फिर बाद में, ये कोष्ठक का मतलब गुणा, तो 100 और 1 = 101/2, ये काट दिया, कितने हैं अपने पास 50 को इससे गुणा कर दो 5050। तो 1 से लेके 100 तक की अगर संख्याओं को आप गुणा करते हैं, जोड़ते हैं सॉरी 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं तो इनका योग होगा 5050। याद रखना है, मैंने आपको इससे पहले संख्या पद्धति में ही मैंने बताया 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, कितनी सम होती है, कितनी विषम होती है, उनका योग क्या होता है, उनके अंकों का योग क्या होता है, ठीक है। अब इसी प्रश्न में हमें आगे नंबर 2 ले रहा हूँ, इसी में अगर आपको ये कहे 11 से 20 तक की प्राकृत संख्या का योग होगा, प्राकृत संख्याओं का योग होगा 11 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग होगा, तो आपको क्या करना है? तो आपको करना है 11 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का यदि योग निकालना है तो हमें करना है वही फॉर्मूला लेना है n n+1। लेकिन इस फॉर्मूले को याद रखिए, लेकिन जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, याद रखिए इसी फॉर्मूले को हम दो बार काम में लेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूले जितने भी हैं प्राकृत संख्याओं के, वर्गों के, घनों के, 4 घातों के, 3 घातों के, क्यूब के, वो सब 1 से निकालते हैं। तो यहाँ पहले मैं 1 से लेकर 20 तक का निकालूंगा, तो 20 × 20 = 21/2, ये काट दिया 10, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग आ गया 210। 1 से लेकर 20 देखिए, इसका डायरेक्ट भी है, लेकिन एक का डायरेक्ट होने से क्या है और बाकी के और भी तो हैं, तो सब में एक ही चीज़ याद रखो, अगर बीच में से कहीं भी निकालना है तो फॉर्मूले को दो बार काम में लेना है। अब हमें निकालना है 1 से लेकर 10 तक, ये 11 से 20 तक का पूछ रहा है ना, तो 1 से लेकर 10 तक, एक कम तक, 11 तक नहीं निकालना है, 1 से लेकर 10 तक ही हमें निकालना है। तो यहाँ हम निकाल रहे हैं 10, क्योंकि इसमें से ये 1 से लेकर 20 तक का योग हो गया, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे ना तो उनका योग होगा 210। अब 11 से 20 तक का निकालना है, तो 11 से 20 तक का निकालना है तो 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि 11 तो इसमें जोड़ना है, 1 से लेकर 10 तक का ही निकालेंगे, तो ये सूत्र फिर काम में लेंगे एक बार, n n+1/2, n का मतलब 10 और 10 × 11 ऑटोमेटिक हो गया, ये जोड़ा है मैंने, फिर कोष्ठक का मतलब गुणा होता है 2, तो ये काट दिया 5 × 5 = 55, ये हो गया 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो उनका योग होगा 55, कितना होगा 55। अब 11 से 20 तक का बताना है, तो 210 में से आप 55 घटा दें, 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ 10 में से फिर 5, 155 हो गया, 155 और 55 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये हो गया 10 × 11 = 210 हो गया, देख लीजिए। तो अगर 11 से लेके 20 तक का निकालना है तो इस सूत्र को काम में लेना है, 10 से लेके 20 तक का निकालना है तो यहाँ क्या करना है, 9 × 10 करना है, ये याद रखिए, ये प्राकृत संख्याओं का योग आ रहा है। अभी इसी प्रश्न में प्राकृत संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर, घनों का स्क्वायर, 4 घातों का स्क्वायर, वो हम देख रहे हैं। याद रखिए, अगर आपको बीच में से निकालना है तो इसी सूत्र को दो बार काम में लेना पड़ेगा।
ऐसे प्रश्न आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वर्गों का, या तो यह आएगा एक से लेकर 20 तक की संख्याओं के, एक से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग होगा, या फिर इस प्रकार से दिया हुआ आएगा, फिर बीच में से पूछेगा तो ऐसे पूछेगा। तो यहाँ क्या करना है हमें, इसका फॉर्मूला है देखो, पहले वाले का फॉर्मूला मैंने यहाँ रख दिया, एन एन प्लस वन अपॉन टू, बीच में से नहीं निकालता ये, एक से लेके 50 तक, एक से लेके 100 तक, एक से लेके 500 तक, एक से लेके 1000 तक का निकालेगा। बीच में से निकालना है तो दो बार काम में लेना। नंबर दो फॉर्मूला है वर्गों का योगफल, एन एन प्लस वन कोष्टक टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ये वर्गों का योग निकालेगा, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत का मतलब गिनती। तो यहाँ 20 है अपने पास लास्ट वाला अंक, एन का मतलब लास्ट वाला अंक, तो यहाँ 20 इंटू 20 और एक 21 इंटू 20 दूना 40, पहले गुणा करेंगे 20 को इससे, 20 दूना 40, 40 और एक 41, तो यहाँ 41 बटे 6, इसको काट दें आप, कटेगी संख्या कभी पॉइंटों में नहीं आएंगी, ये दशमलव में नहीं आएगी, ये काट दिया, दो से काट दिया तीन, दो से काट दिया 10, फिर तीन से काट दिया 7, ये इसको गुणा करें, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2870। अगर आप एक से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्ग करेंगे तो इनका योग होगा 2800, वर्ग करके जोड़ेंगे तो 2870, या ऐसे भी आ सकता है ये प्रश्न, पहला 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 और डैश डैश लगा के 400 तक का योग ज्ञात करें, वर्गों का योग है ये, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। अब दूसरा प्रश्न है, इसी तर्ज पर दूसरा प्रश्न है, लेकिन इसमें फॉर्मूले को दो बार काम में लेना पड़ेगा हमें, कैसे लेना पड़ेगा देखिए, अगर कहीं भी दो लगातार, सॉरी, अगर कहीं भी आपको वर्गों के योग पूछे आपसे तो आपको लेना है फॉर्मूला ये, अगर बीच में से पूछे तो इसी सूत्र को दो बार काम में लेना है, एन एन प्लस वन, अभी लिख रहा हूं मैं, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, तो यहां पहले लिखा था आपने 20, लास्ट वाला अंक 20, तो 20, 20 और एक 21, अभी निकाला था 20 दूना 40 और एक 41 बटे 6, तीन से काट दिया, तीन दूनी 6, 3 7 21, दो से काट दिया 10, अभी आया था आपके पास 2870, मतलब एक से लेके 20 तक की संख्याओं का योग हो गया 2870 वर्गों का। अब हमें 11 नहीं निकालना है, 10 से 20 तक का बताना है प्रश्न में, प्रश्न में कहा है 10 से 20 तक का बताइए, तो हम एक से लेके 9 तक का निकाल के इसमें से घटा देंगे, तो 10 से 20 तक का बच जाएगा, 11 तक नहीं क्योंकि 10 तक, यहां ये पूछ सकता है 10 से 20 तक की प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। तो यहां क्या करेंगे, यहां देखिए आप इसी सूत्र को एक बार काम में फिर लेंगे, तो यहां 9 तक ही निकालेंगे, 10 तक नहीं निकालेंगे, 10 तक तो बताना है, तो यहां करेंगे 9 10 सॉरी 9 9 और 1 10, 9 2 18 और 1 19 बटे 6, ये एक से लेके 9 तक का योग आ जाएगा, एक कम तक निकालने हैं क्योंकि ये 18 है ना, तीन से काट दिया, 3 2 6, 3 3 9, दो से काट दिया, 5 5 3 15, 15 × 19, 15 को 19 से गुणा करो, 15 को 19 से गुणा करो, 15 × 135, 135 में 5, और यहाँ 15 × 1 = 15 और 13 28, 285 हो गया, गुणा कर लें एक बार, ऐसे कर लें आप, 19 5 95 और 19 × 19 5 8, 285 आ गया ना, 285। अब एक से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हो गया 285, एक से लेके 20 तक का योग हो गया 2870, तो 10 से 20 तक का बच जाएगा 2870 माइनस 285, ये हमारे पास बचेगा, इसमें से घटा दो, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ आपके पास बचे 6, ये 8, 16 में से 8 बच गए और यहाँ बच गए 7 में से 2 गए तो 5, इधर ले लिया 16 हो गए, 7 बच गए, 7 में से 2 गए तो 5, और ये हो गया 2585, 2585, 2870 में से 2870 में से अगर आप ये घटाते हैं, 2870 में से अगर आप घटाते हैं 285, 285 घटाते हैं तो आपके पास बच जाएगा 2585,
पिचासी, 2585, 2585, और ये हो गया 285, 2585 17 एक सात एक आठ 2870 हो गया जी। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं वर्गों का। फिर इसी के अंतराल में आता है गणों का, इनके गणों का। देखिए प्रश्न अगला है, थर्ड प्रश्न है, तीसरे प्रकार के प्रश्नों में आ गया गणों का योग। यहाँ आ जाए एक का, एक से लेकर 10 तक के गणों का योग बताइए। तो यहाँ इसका फॉर्मूला है एन का स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर बटे 4। देखिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट प्राकृत संख्याओं का एन एन प्लस वन अपॉन टू। नंबर दो है एन एन प्लस वन वर्गों का, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। और गणों का है एन का स्क्वायर कोष्टक एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे 4। हम गलती क्या करते हैं, हम गलतियां जो अक्सर करते हैं, इसको तो समझ लेते हैं हम गणों का, इसको समझ लेते हैं वर्गों का, जबकि उल्टा है। ये है, ये आप गलतियां मत कर देना, ये वर्गों का है और ये गणों का है। तो यहां हम निकालते हैं एक से लेकर 10 तक। तो यहां एन का मान 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 इंटू 10 और एक 11, 11 का स्क्वायर 121 बटे 4, काट दिया कितना हुआ 25। 121 को 25 से गुणा करें, तो 25 को 121 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 3025 आएगा शायद, 25 इक्की 5 105, 5 605 इंटू 242, तो ये आ गया आपके पास 3025। सही है 3025। एक से लेके 10 तक की संख्याओं का गण करते हैं ना आप, एक से लेके 10 तक की संख्याओं का अगर गण करते हैं तो 3025 आपका योग होगा। अब देखते हैं आगे इसी में, अगर आपको यही बीच में से पूछे, जैसे यहाँ 5 का घन, 6 का घन, 11 का घन, 12 का घन, तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, एक से लेके 12 तक का निकालेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले हैं, शुरू से निकालते हैं, बीच में से नहीं निकालते हैं। तो इसी सूत्र को लेंगे, 12 का स्क्वायर इंटू 12 और एक 13, 13 का स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ पहले मत काट देना आप, ये भी ध्यान रखना है, पहले इसका वर्ग करना है 144 इंटू 169 बटे 4, काट दीजिए 4 से, 4 3 12, 4 3 12 कितने बच गए 2, 6 चौके 24, 36 आ गया। तो इसके हम एक से लेके 12 तक की संख्याओं का गणों का योग हो गया। 169 को आप 36 से मल्टीप्लाई करो, 9 6 54, 5 6 6 36 और 5 41, 4 6 कम 6 और 4 10, और ये 29 27, 2 16 48 और 2 50, फास्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 4 8 0 6, 6084 इनका योग हो गया, 6084 इनका योग हो गया। एक से लेके 12 तक की संख्याओं के गणों का योग निकालना है, तो 6085 हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं, एक से हमें पूछ रहा है ये 5 से 12 तक का, तो हम एक से लेके 4 तक का निकालेंगे, इसमें से लेस करेंगे, तो 4 4 का स्क्वायर इंटू 4 1 5 का स्क्वायर बटे 4, तो 4 चौक 16 5 25 बटे 4, ये काट दिया 4 25 चौके 100। एक से लेके अगर आप 4 तक की संख्याओं के वर्गनों को जोड़ेंगे तो योग 100 होगा। देख लो एक बार हल्का सा, 4 का घन होता है 64, 3 का होता है 27, 2 का होता है 8, 1 का होता है 1, तो 9 हो गया, 9 36 हो गया, 36 और 64 100 हो गया। यहाँ देख ले आप, इसमें से आप इसको घटा दे, 100 में 100 घटा दे इसमें से, तो ये हो गया 5984, 5984 आपके, 5984 आपका योग हो गया। कहाँ से, 5 से लेके 12 तक की संख्याओं के घनों का योग हो गया, 5 से लेके 12 तक की संख्याओं के घनों का योग हो गया, क्यूब का योग हो गया। ठीक है जी, देखिए 1 से 50 तक की सम विषम संख्याओं का योग। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि संसार में जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें आधी तो होती हैं सम और आधी होती हैं विषम। मुख्य रूप से दो ही पार्ट हुए इनके संख्याओं। संख्याओं की बात करते हैं तो हमेशा धनात्मक संख्याओं की चर्चा, संख्या कहीं भी शब्द आ गया तो धनात्मक संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो धनात्मक संख्याओं में धनात्मक का मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्या है नहीं, संख्याओं की कहीं भी चर्चा होती है, संख्याओं की कहीं भी चर्चा होती है तो संख्याएं हमेशा धनात्मक ही मानी जाती हैं, ऋणात्मक नहीं।
संसार में जितनी भी संख्याएं हैं अवास्तविक भी नहीं होंगी, ऋणात्मक नहीं होंगी। हमेशा संख्या शब्द जहां आ गया, संख्या बोल रहे हैं, तो वो संख्या आप प्लस में लिखनी है आपको। तो संसार में जितनी भी संख्या है उनमें आदि तो होती है सम और आदि होती है विषम। तो यहां देखिए आप, 1 से 50 तक की सम विषम संख्याओं का योग हो रहा है। 1 से 50 तक की सम विषम संख्याओं का योग है। तो 1 से 50 तक की सम विषम संख्याओं का योग केवल वर्गों का नहीं है, वर्गों वाला आ रही है, मैंने पहले बता दिया। 1 से 50 तक की सम विषम संख्याओं का अगर आपको निकालना है तो मैंने अभी आपको वो ये दिया है, आपको ये तो दिया है सम विषम का वर्गों का योग बताऊंगा अभी आपको मैं, ये तो दिया है आपको प्राकृत संख्याओं का, ये वर्गों का, ये घनों का। अब सम और विषम का निकालेंगे, फिर सम और विषम के वर्गों का निकालेंगे। देखिए यहां जो है 1 से 50 तक की सम विषम संख्याओं का, तो संसार में जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें आदि तो होती हैं सम और आदि होती हैं विषम। तो 50 की आदि 2 का भाग दिया 25, तो 25 तो हो गई सम और 25 ही हो गई विषम। मतलब आदि तो होती हैं सम और आदि होती हैं विषम, 25 25। अगर सम संख्याओं का योग निकालना है तो n n प्लस 1 करना है, विषम का निकालना है तो n का स्क्वायर करना है। और n का यहां आपको पता रखना है, सम का निकालना है आपको तो n n प्लस 1, विषम का निकालना है तो यहां n का स्क्वायर। लेकिन लेकिन आपको देखना है कितनी सम है और कितनी विषम है, कितनी सम है और कितनी विषम है, कितनी, आप आराम से अपनी बात समझ लिखते हैं, कितनी सम है वह, कितनी सम व कितनी विषम, कितनी सम व कितनी विषम, कितनी विषम है, ये देखना है। तो 25 हो गई सम, तो 25 और 1 26, तो n n प्लस 1 25 × 26, ये हो गया 650 इनका योग हो गया। और विषम संख्याओं का निकालना है तो n का स्क्वायर मैंने बताया, 25 का स्क्वायर बराबर 625 हो गया, 625 हो गया। अगर आपको, ध्यान रखिए, अगर आपको सम विषम संख्याओं का योग पूछे, केवल वर्गों का नहीं, केवल सम विषम संख्याओं का, तो एक का तो होगा n n प्लस 1, सम का तो होगा n n प्लस 1 n n प्लस 1, और विषम का होगा n का स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना है 1 से 50 तक कितनी सम है और कितनी विषम है। तो 1 से 50 तक 25 तो सम हो गई, 25 विषम हो गई। इसी के अपोजिट एक दूसरा प्रश्न है, सेम ऐसा ही है लेकिन इसमें सम दी है, इसमें विषम, 35 तक सम विषम संख्याओं का योग। तो यहां सम विषम संख्याओं का योग निकालना, तो 35 का आधा होता नहीं है, तो 34 तक देख लो सम तो कितनी बची और विषम कितनी रही, सम तो कितनी रही और विषम कितनी रही। तो 35 तक 17 और 17, 34 तक 17 और 17 रही सम और 17 रही विषम। अब 35वीं संख्या क्या है आपको सम और विषम का पता है, 35वीं संख्या विषम है तो 18 हो गई विषम। अगर आप इनका योग निकालते हैं, अगर आप सम संख्याओं का योग निकालते हैं तो क्या करेंगे आप, अगर आप सम संख्याओं का योग निकालते हैं तो n n प्लस 1 17 × 18, और विषम का निकाल लेते हैं तो 18 का स्क्वायर। तो 17 को 18 से गुणा करो और यहां आप 18 का वर्ग कर दो, 324, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 17 × 18, ये थोड़ा सा कम आ जाएगा, इससे 17 कम हो जाएगा, या तो 17 घटा दो या गुणा कर लो, 6 5 8 और 5 13, और ये हो गया आपके 17 6 10, ये हो गया 2 206, इसमें से 17 कम कर दो ना आप, इसमें से ये जो 17 है वो, ये 18 है वो 17 12, या 18 18 12 18 कम कर दो इसमें से, तो 18 24 में से 18 गए तो कितने बचे जी 6, तो 1800 206 इनका योग हो गया, 206। तो सम संख्याओं का योग हो गया और विषम संख्याओं का 306 होगा भाई, 18 कम करने है ना, 306 हो गया, तो यहाँ 306 हो गया इनका योग, 306 हो गया, ठीक है। अब हम ले रहे हैं इसी में सम विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, सम विषम संख्याओं के ये, और देखिए आप सम विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल फॉर्मूलो, एक बार फिर सारे फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, n n प्लस 1 ये प्राकृत संख्याओं का है, दूसरा है n n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये वर्गों का है,
ये वर्गों का है, एन का स्क्वायर प्लस सॉरी एन का स्क्वायर कोष्टक एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे चार, ये गणों का है, सम का है एन एन प्लस वन और विषम का है एन का स्क्वायर। अब आपको देखना है सम और विषम संख्याओं का, दोनों का एक ही फॉर्मूला है, दोनों का एक ही फॉर्मूला है। तो यहां लेते हैं हम एन एन प्लस वन देखिए, और एन प्लस टू अपॉन सिक्स, इसमें और इसमें अंतर है देखिए, यहां टू एन प्लस वन है, यहां एन प्लस टू है। तो सम व विषम का निकालना हो तो एन एन प्लस वन कोष्टक एन प्लस टू अपॉन सिक्स ये आपको रखना है, याद रखिए आप हमेशा। तो यहां हमें क्या करना है, एन का मान, एन की वैल्यू लास्ट वाला अंक, सम और विषम उनमें नहीं, उनमें तो केवल कितनी सम और कितनी विषम है, वर्गों में घनों में आप जाओ तो लास्ट वाला अंक देखना है आपको। तो यहां 15 इंटू 16 और 15 और 2 17 बटे 6, यहां काट दिया, तीन से काट दिया, तीन पंजे 15, तीन दूनी 6, ये काट दिया 8, पांच अंटे 40 इंटू 17, दोबारा काट लें, तीन से काट लिया, तीन पंजे 15, तीन दूनी 6, दो से काट लिया 8, 17 चौके 68, 680, 680 हो गया। तो एक से लेके 15 तक की विषम, मतलब विषम हो गई ना, विषम संख्याओं के वर्गों का योग 15 तक का योग हो गया 680। अब सम का निकालना है, फॉर्मूला यही लेंगे, फॉर्मूला यही लेंगे। तो यहां आपको 20 इंटू 20 और एक, 21 इंटू 20 और दो, 22 बटे 6, तीन से काट दिया, तीन सात 21, तीन दूनी 6, काट दिया 10, ये देखो 22 सते 154, 154 हो गया 0, 1540 हो गया, 1540 हो गया, ये 1540 इनका क्या हो गया, योग हो गया, किसका, सम संख्याओं का योग हो गया 1540, विषम संख्याओं का 15 तक हो गया 680। आप ध्यान रखिए ये जितने भी प्रश्न मैंने दिए हैं इनमें से एक या दो प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं, अक्सर बीच में से पूछ लेता है, शुरू से पूछ लेता है, ये चार घातों के भी हैं लेकिन इतने एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लगभग और भी हैं तो मैं आपको विविध प्रश्नों में ये चीज़ें ले लूंगा। ये संख्या पत्ति का मैटर है, संख्या पत्ति में और भी बहुत से प्रश्न हैं, मैं लेता रहूंगा लगातार, विविध प्रश्न लूंगा, रीजनिंग भी ले रहा हूँ धीरे धीरे, आप इनको देखते रहें, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं बेसिक से उठा रहा हूँ, हर चीज़ जीरो से उठा रहा हूँ, अगर आपके समझ में आया है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। धन्यवाद।